Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today, we are going to talk about another important topic, and that is sovereignty. And we will talk about the law, liberty, the relations. I have already shared the notes in SAPE political science group. Moreover, in today's class we are going to solve one question from the past paper on sovereignty. I'll also guide you how to answer a question in political science paper. And at the end of the class, questions will be taken and entertained. So kindly share the lectures. Those who are listening to me now should comment if I am clearly audible. Share the lecture in our respective groups like SAPE 6 political science groups, and share it with your friends, those who are the registered members of the SAPE. Invite them to the class so that they do not miss a single idea, because today's class is going to be interesting, it's going to be fruitful and meaningful, for the reason that I am going to teach you about sovereignty, a highly, highly meaningful, useful and paper-oriented topic. I am also going to teach you about law. What is law? What are the types of laws? I am also going to teach you about liberty. What is liberty? Do we have absolute liberty or not? If yes, so what is meant by absolute? If not, so then what other liberties we have? We'll also talk about constitution. So in today's class, I'm going to give you all the concept clarity. So far, I do not see any comment. So kindly tell me if I am clearly audible. One thing, let us make this class a bit interactive. Talk to me, ask questions, and I will be answering you. So, what is our today's class all about? It is about sovereignty. What is sovereignty? If anyone knows in this class, what is sovereignty? Kindly write whatever comes to your mind. Jo bhi aapke zehen mein aata hai, ke sovereignty se kya murad hai? What is sovereignty? आप लोगों के साथ मैंने बुक्स भी शेयर किए हैं. आई होप यू हैव बॉट द बुक्स आर डाउनलोडेड. अगर नहीं है तो इसके अपोजिट साइड पर मैंने आपको लिंक्स दिए हैं ऑफ डिफरेंट सोर्सेस फ्रॉम वेयर यू कैन कवर दिस टॉपिक. क्वालिटी नोट्स है, रेलेवेंट है. तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन करना हो, फॉर दैट यू नीड प्रिपरेशन, नॉलेज. जब क्वेश्चन हो और वो भी इन्फॉर्म्ड क्वेश्चन हो, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि सॉवरेनिटी क्या है, लॉ क्या है, लिबर्टी क्या है. तो मेरे ख्याल में अब
इंसान को कम से कम इतना पता होना चाहिए। सीएसएस के लिए चंद चीजें जहन में रखे। एक, लर्न एवरी डिफिनीशन ऑफ एवरी टर्म, वेदर दैट इज पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आर एनी अदर सब्जेक्ट दैट यू हैव ऑप्टेड फॉर यूअर सीएसएस एग्जाम आर पीएमएस एग्जाम। तो जब भी आप एक नाम देखते हो, एक टर्म देखते हो लाइक डेमोक्रेसी, तो आपको एटलीस्ट 2 या 3 लाइंस की जो डिफिनेशन है वो याद होनी चाहिए, ये लाजमी है। एजुकेशन, आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन क्या है। लिटरेसी, आपको पता होना चाहिए कि लिटरेसी क्या है। लिबर्टी, आपको पता होना चाहिए कि लिबर्टी है क्या चीज। फ्रीडम, लिबर्टी, इंसान को पता होना चाहिए कि ये चीजें हैं क्या, तब वो पेपर में अच्छे तरीके से लिख भी सकता है और एक्सप्लेन भी कर सकता है। स्टेट, डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, नाजिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म, फेडरल, फेडरेशन, सो दीज टर्म्स, दीज मस्ट बी ऑन द टिप ऑफ योर फिंगर्स एंड यू मस्ट नो द डिफिनीशंस ऑफ ऑल। जो भी हो, सारा का सारा सिलेबस डाउनलोड करें और हर एक टॉपिक का जो डिफिनीशन है वो आप लोगों को याद होना चाहिए इफ यू वांट 100% सक्सेस इन सीएसएस एंड पीएमएस। कामयाबी के लिए ये बड़ा लाजमी है। फिर उसको एक्सप्लेन करना डिटेल के साथ एकेडेमिकली, वो भी लाजमी है। लेकिन एटलीस्ट जब इंसान को पता हो कि मैं किस चीज पर लिख रहा हूं, डिफिनीशन पता हो। अब एक सपोज एक शख्स है, वो चाहता है कि मुझे आजादी मिले और उसे पता ही नहीं हो कि आजादी है क्या चीज। तो फिर ऐसे शख्स को आजादी ना मिले तो बेहतर है, बिकॉज ही आर शी डज नॉट नो वट लिबर्टी इज एंड डिमांडिंग फॉर लिबर्टी। जस्टिस, इफ यू नो जस्टिस यू डिजर्व जस्टिस, इफ यू डोंट नो जस्टिस यू डोंट डिजर्व जस्टिस। एक इंसान को पता ही नहीं है कि जस्टिस क्या है तो फिर वो डिजर्व ही नहीं करता कि उसको जस्टिस मिले। कॉन्स्टिट्यूशन, पता ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या चीज। आप पाकिस्तान में देख ले, लोग हकूक मांग रहे हैं, हमें अपने राइट्स चाहिए, बट इन लोगों को पता ही नहीं है व्हाट आर दियर राइट्स, कि राइट्स इनके हैं क्या, असल में राइट ये क्या है, कितनी किस्म की राइट्स होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ राइट्स। फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, इंडिविजुअल राइट्स है, लिबर्टी है, कौन सी लिबर्टी की बात हो रही है, सॉवरेनिटी है, कौन सी सॉवरेनिटी की बात हो रही है, ये सब आप लोगों को पता होने चाहिए, तब जाकर आप सीएसएस में फिर धड़ाधड़ जो है लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, नाउ दोज हु आर लिस्निंग टू मी शुड ऑल्सो कमेंट वट एवर इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूअर्स। जो भी अंडरस्टैंडिंग मेरी लेक्चर्स से आप लोगों को मिल रही है, चाहे एक अच्छा लफ्ज सुना, चाहे एक सेंटेंस सुना, उनको लिखने की कोशिश करें। ट्राई टू बी इंटरैक्टिव इन द क्लास। अगर आप क्लास में एक सेंटेंस नहीं लिख सकते तो आप सीएसएस में 20 to 25 मिनट्स किस तरह जो है लिखोगे। एक लड़का या लड़की क्लास में एक स्टेटमेंट, लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं लिख सकता तो पेपर में जब इतना प्रेशर होता है तब उधर क्या करेगा। तो ये जो है, ये यहां पर जो आप लोगों की स्कूलिंग हो रही है, इसका मकसद ये है दैट यू हैव टू बी इंटरैक्टिव, कम्युनिकेटिव, कॉन्फिडेंट। ये क्वालिटीज आप में होनी चाहिए।
लिखे, और ये लिखने से आती हैं। एक सेंटेंस भी जब एक स्टूडेंट लिखता है क्लास में, टीचर से बात करता है, उसको बहुत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, और वो फिर 10 सेंटेंस भी लिख सकता है, और वो बाद में जो है 1,000 सेंटेंसेस भी लिख सकता है। सो ऑल दीज थिंग्स डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट, किस तरह आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। गलतियां सबसे होती हैं। आप सब में कुछ ने पहले पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत, किसी ने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं होगा। दैट डज नॉट मैटर। सीखते कौन है? जो एक्सप्रेस करते हैं। सो एक्सप्रेशन ऑफ द नॉलेज इज नेसेसरी, कि आप नॉलेज को एक्सप्रेस करें, ये बड़ा लाजमी है, जरूरी है। आई होप नाउ इट इज क्लियर। सो कम टू द टॉपिक एंड दैट इज सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी जो है ये क्या है इन पॉलिटिकल साइंस? सॉवरेनिटी इन पॉलिटिकल साइंस मींस सुप्रीम पावर। कल हमने स्टेट की बात की थी कि स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन स्टेट वी हैव 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। वन इज द टेरिटरी, के स्टेट जो है उसकी अपनी जमीन होनी चाहिए। द सेकेंड वन इज अ स्टेट मस्ट हैव पॉपुलेशन। द थर्ड वन, अ स्टेट मस्ट हैव अ स्टेबल गवर्नमेंट। एंड द फोर्थ वन, अ स्टेट मस्ट हैव सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी है तो स्टेट है, सॉवरेनिटी नहीं है तो स्टेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें कमी आ जाती है, और फिर हम उसको स्टेट नहीं कहते। इन पॉलिटिकल साइंस सॉवरेनिटी इख्तियार को कहते हैं, कि आप अपने फैसलों में, फॉरेन पॉलिसी में, इंटरनल पॉलिसी में आजाद है, सुप्रीम है। यू हैव द पावर एवरीथिंग, यू हैव द कंट्रोल ओवर द मासेस एंड सब्जेक्ट। कि जो पॉलिसी बनाई जाती है तमाम के तमाम लोगों पर उसको इन्फोर्स किया जा सकता है। तो ऐसा मुल्क जो है वो फिर सॉवरन होता है, जिसमें फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं होती, जो किसी से डरता नहीं है, फिर ऐसा मुल्क सॉवरन होता है। अब हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं पाकिस्तान पर, कि पाकिस्तान में सॉवरेनिटी है या नहीं है। सो यस, पाकिस्तान इज अ सॉवरन स्टेट, ये सॉवरन है। डिफाइंड बाउंड्री भी है, लोग भी हैं, पॉपुलेशन भी है, गवर्नमेंट भी है, और इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना पार्लियामेंट है, और खुद अपने लिए फैसले खुद बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस पाकिस्तान इज अ सॉवरन स्टेट। सॉवरेनिटी के बारे में मुख्तलिफ राइटर्स के मुख्तलिफ जो है ओपिनियंस है। कैसे? एक कहता है कि सॉवरेनिटी जो है बिल्कुल अनलिमिटेड है, इनडिविजिबल है, ये करेक्टरिस्टिक्स भी है सॉवरेनिटी के। चलो आप लोगों को पहले सॉवरेनिटी के करेक्टरिस्टिक बताता हूं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेनिटी ये है कि सॉवरेनिटी इज फॉर ऑल द टाइम, वंस अ सॉवरन ऑलवेज अ सॉवरन। अब पाकिस्तान एक मुल्क बना, एक स्टेट बना, सावरन बना, तो ये सारी जिंदगी जो है स्टेट होगा, और कोई उससे ये सावरनिटी नहीं छीन सकता। वो अलग बात है कि बस कोई आ जाए और जंग लड़े और इसको मुकम्मल जो है दुनिया के नक्शे से मिटा दे, जो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट हैज इट्स स्ट्रॉन्ग आर्मी प्लस इट इज अ न्यूक्लियर पावर, पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही बता रहा हूं कि सावरनिटी वंस अ सावरन ऑलवेज अ सॉवरन। तो सॉवरेनिटी की एक करेक्टरिस्टिक्स में एक बात है परमानेंस, ये हमेशा रहती है। दूसरा इंडिविजिबिलिटी,
सॉवरेनिटी कभी भी इंडिविजिबल नहीं हो सकती। आप सॉवरेनिटी को, अब एक शख्स है, सॉवरेन है तो बस है, एक स्टेट है, सॉवरेन है तो बस है, और वो एक होगा। सॉवरेनिटी कैन नॉट बी डिवाइडेड। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मुल्क में दो किंग आ जाए। क्यों? वजह क्या है? बिकॉज सॉवरेनिटी इज इंडिविजिबल, एंड वंस यू डिवाइड अ सॉवरेनिटी यू डिस्ट्रॉय इट। ये ऑस्टिन कहता है, ऑस्टिन कहता है, वंस यू डिवाइड सॉवरेनिटी यू डिस्ट्रॉय इट। अगर आपने कह दिया कि पाकिस्तान को चलाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत के पास भी इख्तियार है, लेकिन ये इख्तियार अमेरिका के पास भी है, तो फिर तो सॉवरेनिटी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि एक पावर दूसरे पावर को खत्म करना चाहेगा। और इसके लिए आपको एक जबरदस्त एक सेंटेंस है, वो भी बताता हूं, और वो है 10 फकीर्स, जो बेगर्स होते हैं, 10 फकीर्स कैन स्लीप इन अ ब्लैंकेट, बट 2 किंग्स कैन नॉट रन अ कंट्री। ये एक मशहूर सेंटेंस है कि 10 फकीर या 10 बंदे एक ही कंबल में तो सो सकते हैं, लेकिन एक मुल्क के 2 किंग फिर नहीं हो सकते, 2 बादशाह नहीं हो सकते, क्योंकि फिर सॉवरेनिटी डिवाइड हो जाती है, और फिर ये एक दूसरे से लड़ते लड़ेंगे। सो दैट इज व्हाई सॉवरेनिटी इज इंडिविजिबल। एक्सक्लूसिव मतलब ये है कि एक शख्स सॉवरन बन गया, सो देन इट एक्सक्लूड्स अदर सॉवरन्स। तो ये चाहता है कि सारे बाकी इससे निकल जाएं। दुनिया में एक ऐसा मुल्क नहीं होगा जहां पर कई पार्लियामेंट्स हो, बस एक पार्लियामेंट होता है जहां से कानून बनता है। अमेरिका का भी कांग्रेस है, पाकिस्तान का जो है मजलिस शूरा, सही। तो ये जो है, फिर ये एक सावरन होता है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। एक क्वेश्चन किया गया पास्ट के पेपर में सावरनिटी पर, और उस सावरनिटी को कहा जाते हैं मॉनिस्ट थ्योरी, और दूसरे को कहा जाता है प्लुरलिस्ट थ्योरी। दो थीरीज हैं सॉवरेनिटी के ऊपर, मॉनिस्ट MONIST और दूसरा है प्लुरलिस्ट। इसको थोड़ा सा समझाता हूं बिकॉज इट इज फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, सो इट विल हेल्प यू व्हाइल यू आर कवरिंग योर सिलेबस अलोंग विद सॉल्विंग द पास्ट पेपर्स, इट विल हेल्प यू देयर। पहले जब आपने क्वेश्चन करना है, थोड़ी सी जो है इंट्रोडक्शन देनी है कि सॉवरेनिटी क्या चीज है, ठीक है, दो तीन चार जो है करेक्टरिस्टिक्स भी बता दो जैसे मैंने बता दिए, साथ में फिर एक्सप्लेन करो कि देर आर 2 थीरीज, और थीरीज में मॉनिस्ट थीरी है और प्लुरलिस्ट थीरी है। मॉनिस्ट थीरी के लोग जो है पॉजिटिविस्ट है, और उसमें जो बंदा है, एक को हम कहते हैं जो पहले इसकी थीरी आई थी, वो आई थी थॉमस हॉब्स से। सॉवरेनिटी की, अनलिमिटेड सॉवरेनिटी की डिफिनीशन उसने दी थी थॉमस हॉब्स ने। थॉमस हॉब कौन है? हमारे पास सिलेबस का हिस्सा है, पॉलिटिकल फिलासफर है। उसके क्या नजरियात हैं वो मैं आपको जब पॉलिटिकल फिलासफर्स पढ़ाऊंगा वहां पर आप लोगों को थॉमस हॉब्स का पूरा इलम दे दूंगा। फॉर नाउ जस्ट लिसन दिस वन। थॉमस हॉब जो है ये बताता है कि मुल्क को ठीक करने के लिए, आर्डर में लाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, पीस के लिए, खुशहाली के लिए, अनलिमिटेड एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी इज रिक्वायर्ड। क्योंकि उस वक्त थॉमस हॉब्स के दौर में इंग्लैंड में सिविल वॉर था, कियास था, अनार्की थी, लड़ाई झगड़े थे, और वजह यही थी कि वहां का जो किंग था दैट वाज वीक। तो इसने कहा कि बस अनलिमिटेड पावर होनी चाहिए लोगों को ठीक करने के लिए, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, राइट और रॉन्ग का भी कंसेप्ट खत्म कर दो। अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स, एक शख्स कोई जो है, बस जो भी कानून वो कहे, सॉवरन कहे, किंग कहे, एंड मोनार्क कहे, टायरेंट कहे, एंड दैट विल बी द वर्ड्स एंड
पीपल विल हैव टू फॉलो ओबे देम, बस उस कानून को फिर जो है लोगों ने मानना है, एक्सेप्ट करना है। ये कंसेप्ट कहां से आया? थॉमस हॉब्स से आया। मॉडर्न कंसेप्ट मॉनिस्ट थ्योरी का इसी से आया है, ऑस्टन ने दिया, और ऑस्टन ने फिर बताया कि सावरन कौन होता है। उसने सावरन को डिफाइन किया, किंग या आजकल के दौर में सदर या वजीर आजम, ये कौन होता है। ऑस्टन फिर हमें बताता है कि ये एक ऐसा शख्स है जो कि खुद हुक्म चलाता है और दूसरों के हुक्म पर नहीं चलता। ही हैज द क्वालिटी ऑफ कमांडिंग अदर्स बट इज नॉट इफेक्टेड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कमांड्स ऑफ अदर्स। ही कैन इन्फ्लुएंस अदर्स बट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। दूसरों को तो इन्फ्लुएंस कर सकता है लेकिन खुद इन्फ्लुएंस नहीं होता। ऐसा शख्स लीडर होता है और ऐसा शख्स सावरन होता है। He can make others obey him, but he does not obey anyone else. लोगों को तो इस काबिल बनाता है कि वो इसकी obedience करे, लेकिन दूसरे लोग जो है ये खुद किसी की obedience नहीं करता। ये leader होता है Aston के लिहाज से, ये sovereign होता है Aston के लिहाज से, और वो कहता है कि ऐसे शख्स के पास बेतहाशे इख्तियारात होते हैं, एब्सल्यूट इख्तियारात होते हैं, अनलिमिटेड इख्तियारात होते हैं, और फिर वो ये शख्स जो कहता है ये कानून कहलाता है, ये लॉ कहलाता है, अकॉर्डिंग टू ऑस्टन। और इस थ्योरी को जो इसने दे दी कि एक शख्स के पास जो ये क्वालिटी हो, इसको कहते हैं मॉनिस्ट थ्योरी। कि एक मिसाल के तौर पर एक बॉडी ले ले, पार्लियामेंट ले ले, बस उस एक बॉडी के पास इख्तियार है। अकॉर्डिंग टू ऑस्टन वो कहता है कि बस ये सावरन है। प्लूरलिस्ट क्या कहते हैं? प्लूरलिस्ट इसके अपोजिट में जाते हैं, नाम से जाहिर है प्लूरलिस्ट। वो बिलीव नहीं करते, प्लूरलिस्ट, द प्लूरलिस्ट डू नॉट बिलीव इन द एब्सोल्यूट सावरनिटी, इन अनलिमिटेड सावरनिटी, इन द इंडिविजिबिलिटी ऑफ द सावरनिटी। प्लोरलिस्ट ये कहते हैं कि सावरनिटी अनलिमिटेड नहीं हो सकती। एक शख्स इतना सावरन नहीं हो सकता कि जो कहे और वो कानून बन जाए। खास तौर पर मॉडर्न एज, मॉडर्न दौर में जब कानून बनाया जाता है तो ये किसी एक शख्स की मर्जी से नहीं बनाया जाता, बल्कि वक्त को देखा जाता है, रिलीजन को देखा जाता है, मॉरलिटी को देखा जाता है, लोगों के नजरियात को देखा जाता है, पब्लिक ओपिनियन जिसको कहते हैं, पब्लिक ओपिनियन को देखा जाता है, तब जाकर कानून बनता है। ऐसे कानून नहीं बनता, अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्ट। तो प्लूरलिस्ट कहते हैं कि सावरनिटी एक बॉडी के पास नहीं होती, सावरनिटी एक शख्स के पास नहीं होती। सावरनिटी इज डिविजिबल, सावरनिटी इज लिमिटेड, एंड सावरनिटी इज शेयरेबल, ये शेयर भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्ट सावरनिटी लाइज विद द पीपल। रूसो हमारे पास एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है, उसको भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। उसने जनरल विल जो है का कंसेप्ट दिया था, और उसने कहा कि असल सॉवरेनिटी अवाम के पास है। कानून जब बनाया जाता है तो हुकूमत ये देखती है कि ये कई अवाम की मर्जी के खिलाफ तो नहीं है। इसी तरह हमारे पास सॉवरेनिटी को कंट्रोल करने के लिए, लिमिट करने के लिए कुछ पॉइंट्स भी आ जाते हैं। एक नेचुरल लिमिटेशन है सॉवरेनिटी पर, सॉवरेनिटी इज लिमिटेड बाय नेचर। कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो नेचुरल है, जैसे कोई भी सॉवरेन सूरज को तो हटा नहीं सकता, दिन को रात और रात को दिन तो बना नहीं सकता, ये नेचुरल। कोई भी जितना भी पावरफुल किंग क्यों ना हो, जितना भी पावरफुल मोनार्क क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, पार्लियामेंट जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन नेचर का मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये नेचुरल लिमिटेशन है। कुछ
मॉरल लिमिटेशन है। मॉरल लिमिटेशन ये है कि कभी भी कोई भी पार्लियामेंट, सावरन, किंग, मोनार्क ये कानून पास नहीं कर सकता के तमाम ब्लू आइड लोग जो है उसको कत्ल कर दिया जाए, मर्डर कर दिया जाए। ये मॉरलिटी के खिलाफ है। इसी तरह ह्यूमन लिमिटेशन भी आ जाती है, और ह्यूमन लिमिटेशन ये है कि कोई भी सवरन ये कानून पास नहीं कर सकता कि वो लोगों को कह दे कि आज से तमाम के तमाम लोगों ने रात को काम करना है और दिन को सोना है। दैट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, नो बडी विल एक्सेप्ट इट। तो ये क्या है, इंटरनेशनल लॉ जो है, बैनुल अक्वामी फोर्स, दबाव, इन्फ्लुएंस, ये भी एक मुल्क की सॉवरेनिटी पर चेक रखता है। तो मतलब ये है अकॉर्डिंग टू प्लुरलिस्ट कि दुनिया में कहीं भी एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। और जो आस्टिन ने हमें बताया कि सॉवरन कौन है, वो एक शख्स है, उसके पास तमाम के तमाम इख्तियारात होते हैं, व्हाट ही सेज बिकम्स द लॉ, के जो वो कहता है लॉ बन जाता है और सबने इसको फॉलो करना होता है। तो इस पर क्रिटिसिज्म ये है कि ऐसा शख्स तारीख में नहीं गुजरा है कि उसकी बातें कानून बन जाए। ये तारीख के खिलाफ बात की है, क्योंकि जब कानून बनाया जाता है तो सिर्फ कमांड ऑफ द सावरन नहीं देखा जाता, बल्कि कानून बनाते वक्त रिलीजन को भी देखा जाता है, ट्रेडिशंस को भी देखा जाता है, पब्लिक ओपिनियन को भी देखा जाता है, कल्चर को भी देखा जाता है, लैंग्वेज को भी देखा जाता है, लोगों को भी देखा जाता है। इवन इंटरनेशनल, जो कि मॉडर्न दौर में वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज, अब तो पूरी दुनिया को देखा जाता है कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। तो आज मैंने आप लोगों को सॉवरेनिटी भी बता दी, कुछ काइंड्स भी साथ में बता दूं। हमारे पास लीगल सॉवरेनिटी भी होती है, जैसे पार्लियामेंट के पास लीगल सॉवरेनिटी है, और दूसरा टाइप है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, प्राइम मिनिस्टर के पास या जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनके पास पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होती है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से एक शख्स को या एक इदारे को मिल जाते हैं। तो जब आपने पेपर में क्वेश्चन करना है, सवाल ये है अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज सॉवरेनिटी, मॉनिस्ट सॉवरेनिटी और प्लुरलिस्ट सॉवरेनिटी, फर्क क्या है, और इसको जो है क्रिटिकली एनालाइज करें, तो फिर आप लोगों ने क्या लिखना है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है खूबसूरत तरीके से, डिफाइन सॉवरेनिटी, व्हाट इज सॉवरेनिटी, व्हाट एवर कॉन्सेप्ट यू यू हैव। आफ्टर दैट डिफाइन आर स्टेट दैट देर आर टू थियरीज रिगार्डिंग सॉवरेनिटी, वन इज मॉनिस्ट एंड द अदर इज प्लुरलिस्ट। फिर मॉनिस्ट को किसने कहा, जॉन ऑस्टन ने, ठीक है, और साथ में लिखो पॉजिटिविस्ट भी कहते हैं, प्लुरलिस्ट जो है रूसो का नाम लिख दे, साथ में जो है प्लुरलिस्ट नाम फिर इस्तेमाल करते रहे, इससे एग्जामिनर खुश होता है और आपको एकेडमिक राइटिंग का मौका भी मिल जाता है, और वो भी देख लेता है कि हाँ इस बंदे के पास इलम है अबाउट सॉवरेनिटी। अच्छा, अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज लॉ। ठीक, कि लॉ क्या है। लॉ जर्मानिक लैंग्वेज से ये लफ्ज लिया गया है, लेग, LAG, लेग, इसका मतलब है फिक्स्ड, अनचेंजिंग, ये कभी चेंज नहीं होता। लॉ इज यूनिफॉर्म, इसका मतलब यह है कि लॉ इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर, इट इज द सेम। तो हमारे पास नेचुरल लॉज भी हैं, ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ते हैं उसके अपने लॉज हैं, साइंस के अपने लॉज हैं, और सोशल लॉज जो है ये अलग होते हैं। हम जो पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं पॉजिटिव लॉज।
लॉ के बारे में बॉडिन कहता है कि इट इज द कमांड ऑफ द सुप्रीम, कि ये जो सुप्रीम बंदा होता है या सुपीरियर बंदा होता है ये उसका कमांड है, द कमांड ऑफ द सावरन, सावरन का जो कमांड होता है उसको हम कहते हैं कि ये लॉ है। और वो कानून बन जाता है, लोगों ने फिर उस पर अमल करना होता है। ये क्यों कानून बनाया जाता है? टू ब्रिंग द सोसाइटी इन ऑर्डर, सोसाइटी को ऑर्डर में लाने के लिए। आजादी को, लिबर्टी का जो कंसेप्ट है उसको लिमिट करने के लिए। एक नेचुरल लिबर्टी होती है, यू डू वट एवर यू वॉन्ट, कि तुम वो करते हो जो तुम्हारी दिल में आ जाए। लॉ उसको रिस्ट्रिक्ट करती है। फायदा भी है कि डिसिप्लिन आ जाते हैं। लॉ जो है रूल्स को कहते हैं, उन रूल्स को कहते हैं दैट डिसाइड योर एक्शंस, कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ले लें तो लॉ मौजूद है कि आपने शराब पीना है या नहीं पीना, सही, उसके लिए अपना कानून है। इलम करना है, पढ़ाई करनी है, उसका अपना कानून है। अगर कत्ल किया तो उसके लिए अपना कानून है, सजा है। तो ये कौन डिसाइड करता है? कानून डिसाइड करता है, लॉ डिसाइड करती है। तो जो लॉ है ये क्यों जरूरी है? टू ब्रिंग द सोसाइटी इन ऑर्डर, टू इंश्योर द लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, द लिबर्टी गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द लॉ ऑफ द लैंड, कि जो मुल्क है, जो स्टेट है, उसने जितनी लिबर्टी आपको दी है उसको भी इंश्योर करें। कोई फिर वो आपसे नहीं छीन सकता। यू हैव फंडामेंटल राइट्स, इन द फंडामेंटल राइट्स एजुकेशन इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ यूअर्स इन पाकिस्तान, सो नो बडी कैन स्नेच एंड वायलेट दिस राइट ऑफ यूअर्स, एंड इट इज प्रोटेक्टेड एंड इंश्योर्ड बाय द लॉ। कानून ना होता तो बस फिर तो हालात खराब हो जाते, स्टेट ऑफ नेचर होता, जैसे जॉन लॉक ने कह दिया, थॉमस हॉब्स ने कह दिया। जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी। जो कानून मुल्क का होता है उसको फिर हम कहते हैं पॉजिटिव लॉ, लॉ ऑफ द लैंड। तो इसके फिर मुख्तलिफ काइंड्स हैं। हमारे पास नेशनल लॉ भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी है, सिविल भी है। ये बस नाम से, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है क्या करता है, ये जो गवर्नमेंट होता है उसकी जो मशीनरी होती है, हमारे पास गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, इन सब के बारे में एक एक चैप्टर आप लोगों को टीच करूंगा। जुडिशरी है, इसी तरह जो है हमारे पास लेजिस्लेशन है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। ये तीनों क्या काम करेंगे, किस तरह करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन फिर बताता है। एक वजीर आजम के क्या अख्तियारात है उसको लिमिट किया गया है विद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। फिर ऑर्डिनरी लॉज होते हैं जो प्राइवेट अफेयर्स के लिए होते हैं, सिविल लॉज सिविलियंस के लिए होते हैं, क्रिमिनल लॉज क्रिमिनल्स के लिए होते हैं, पॉलिटिकल लॉज जो है क्या आपने पॉलिटिकल पार्टीज में जाना है, किस तरह जाना है, वोट दे सकते हैं नहीं दे सकते, ये सब जो है आपको वहां पर फिर बताया जाता है। इसके भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं लॉ के, और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक ये है कि लॉ जो है इट मस्ट बी यूनिफॉर्म, इट मस्ट हैव यूनिफॉर्मिटी, चेंज नहीं होगा, यूनिफॉर्मिटी होगी इसमें। ये लव्ज लिखे काइंडली, यूनिफॉर्मिटी, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लॉ जो है इट मस्ट बी यूनिफॉर्म, इसका मतलब ये है दैट इट मस्ट नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर प्लेस, वक्त के साथ साथ आप लॉ को चेंज नहीं, कि पंजाब के लिए एक कानून और केपी के लिए या बलोचिस्तान के लिए या सिंध के लिए दूसरा कानून, सबके लिए एक जैसा कानून होगा। अगर चेंज करना है तो फिर अलग चीज है, वो पार्लियामेंट से फिर
कानून साजी करनी होती है थ्रू लेजिस्लेशन, वो अलग बात है, लेकिन जब एक दफा कानून बन जाए इट मस्ट बी यूनिवर्सल यूनिफॉर्म. यूनिवर्सल का मतलब भी यही है दैट इट मस्ट बी अप्लाइड टू ऑल विथ फेयरनेस एंड इक्विटी. फेयरनेस जस्ट जस्टिस उसमें होगी, इंसाफ होगा कानून में, अलग अलग नहीं होगा. अदरवाइज फिर ये कानून सही तौर पर लोगों को मंजूर भी नहीं होगा और लोगों के जो राइट्स हैं और लिबर्टी हैं उसको प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएगा. एक्सटर्नलिटी जो है एक क्वालिटी है इसमें. कानून सिर्फ और सिर्फ उस पर अप्लाई होगा जो कि एक्सटर्नल एक्ट्स होंगे, इंटरनल के साथ इसका कोई काम नहीं होगा. जैसे आपके जहन में कोई कुछ चल रहा है तो बस चलने दो. यू विल नॉट बी रिवार्डेड फॉर इट एंड यू विल नॉट बी पनिश्ड फॉर इट. अगर रात को नींद में किसी को कत्ल किया तो बस नींद में किया, ये एक्सटर्नल एक्ट तो नहीं है, इंटरनल है, तो कानून फिर इसकी सजा नहीं देगा. हाँ अगर फिजिकली जो है किसी को टॉर्चर किया, हैरिस किया या कुछ और, तो फिर जो है उसकी सजा मिलेगी. तो एक्सटर्नैलिटी के साथ एक क्वालिटी ये है कि जब लॉ बनाया जाता है तो उसके लिए लेजिस्लेशन की जरूरत होती है, ये भी एक क्वालिटी है कि कानून कोई आसमान से नहीं उतरता, इट कम्स थ्रू लेजिस्लेशन. पार्लियामेंट कानून पास करता है, इट हैज अ फोर्स ऑफ सैंक्शन. हुकूमत इसको सैंक्शन करेगा, इन्फोर्स करेगा, तब ये कानून होगा. प्राइम मिनिस्टर साहब जो एग्जीक्यूटिव होता है, आप लोग सीएसएस करके ब्यूरोक्रेट बनेंगे तब आप भी इसी का हिस्सा होंगे, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट होगा, और फिर ये जो है आप लोगों ने कानून को इन्फोर्स करना है, तब ला ला होता है. अगर ये क्वालिटी ना हो तो फिर तो जैसे कि इंटरनेशनल लॉ, आप लोगों ने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल लॉ पर यही एतराज किया जाता है कि एक तो ये है कि उसकी जो बॉडी की जो फ्रेमिंग है या जो इंटरनेशनल लॉ बनाता है उनका तो अपना कोई पार्लियामेंट ही नहीं है, और फिर उसको डिफाइन कौन करता है. पाकिस्तान का तो लॉ जो है पार्लियामेंट से बनता है, फिर जुडिशरी उसको प्रोटेक्ट भी करती है और उसको इंटरप्रेट भी करती है. तो इंटरनेशनल लॉ की जो इंटरप्रिटेशन की जो बॉडी है वो तो है ही नहीं, तो वो किस तरह फिर लॉ है. सैंक्शन की बात की जाए तो पाकिस्तान में जो कानून बनाया जाता है, पाकिस्तानी वजीर आजम साहब और जितने भी एग्जीक्यूटिव है नीचे पटवारी तक, वो उसको अप्लाई करते हैं, इन्फोर्स करते हैं. इंटरनेशनल लॉ के पीछे कौन सी सैंक्शन बॉडी है, तो ये एतराज भी होता है दैट इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ, कि इंटरनेशनल लॉ लॉ है ही नहीं. अभी इंटरनेशनल केस चल रहा है कुलभूषण यादव का पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और ये केस इंडिया जीत जाता है और पाकिस्तान उसको इंडिया के हवाले नहीं करने देता और कहता है कि मैं इसको फांसी दूंगा. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अगर फैसला भी दिया है तो कोई भी जो है इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दैट इज अ वीक काइंड ऑफ लॉ. इंटरनेशनल लॉ इज टू वीक, बहुत वीक है. अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि इज इंटरनेशनल लॉ अला आर नॉट, तो इस पर आप क्वेश्चन पर अगर 5-6 नंबरों का है तो एक स्टांस ले लें, और अगर ज्यादा नंबरों का है तो फिर दोनों लिख दें एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, कि ये लॉ है भी और नहीं भी है. नहीं है उसके तो 3 पॉइंट्स बता दिए, क्यों इंटरप्रेटर इसका नहीं है. दूसरा, इंटरनेशनल लॉ जो है उसके पीछे सैंक्शन बॉडी नहीं है. तीसरा, अगर एक मुल्क उसको मानने से इनकार करे तो फिर उस पर ये कोई शख्स इन्फोर्स नहीं कर सकता, जोर नहीं डाल सकता. लेकिन लॉ है भी, किस तरह लॉ है उसके लिए भी 2-3 पॉइंट बता देता हूं कि ये सही है सैंक्शन बॉडी नहीं है, लेकिन एक डर जरूर है कि अगर मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता हूं
तो पब्लिक ओपिनियन, ये लोगों का जो है चेंज हो जाएगा और दुनिया में बदनामी होगी। तो ये पब्लिक ओपिनियन क्या है? ये एक सेंक्शन है इनडायरेक्टली। दुनिया में बदनामी होती है तो जिसकी वजह से मजबूरन इसको मानना पड़ता है। और अब तो सोशल मीडिया और इंटरनेट और फास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो इस वजह से इंटरनेशनल लॉ जो है ये लॉ है, एग्जिस्ट करता है। और ये कहां से होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस्टेब्लिश किया। वहां पर केसेस लड़े जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ एंड इट डज एग्जिस्ट, और ये एग्जिस्ट भी करती है। अब आते हैं लिबर्टी की तरफ। लिबर्टी का जो कंसेप्ट है ये हमें मॉन्टेस्क्यू से मिलता है। आजादी जो है, इंडिविजुअल लिबर्टी, या चलो सिर्फ लिबर्टी ले लेते हैं, फिर काइंड्स में इंडिविजुअल लिबर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। लिबर्टी जो है आजादी, इस पर एक क्वेश्चन है कि क्या एक शख्स एब्सोल्यूट लिबर्टी रखता है? तो अगर हम इसको एब्सोल्यूट सेंस में लेते हैं इन पॉलिटिकल साइंस, फिर ये होता है कि एब्सोल्यूट लिबर्टी डज नॉट एग्जिस्ट। एब्सोल्यूट लिबर्टी क्या है? एब्सोल्यूट लिबर्टी इज द लिबर्टी दैट स्टेट्स दैट यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट, कि तुम जो चाहो कर सकते हो, ये एब्सोल्यूट लिबर्टी है। तो ये पॉसिबल नहीं है। इससे क्या होगा, नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि तुम जो जब चाहो किसी को कत्ल करो, तो फिर उस शख्स को भी राइट है कि वो तुम्हें भी कत्ल करे। तो फिर तो ये एब्सोल्यूट लिबर्टी खत्म हो जाती है। अब एक शख्स ने शादी की है, उसकी अपनी बीवी है, हस्बैंड एंड वाइफ हैज लिबर्टी, दोनों की आजादी है एक दूसरे का, और तुम जाते हो कि नहीं आज से ये मेरी बीवी है, तो फिर ये लिबर्टी तो नहीं हो सकती, क्योंकि कल कोई और आएगा और तुम्हारी बीवी ले जाएगा। सो सच लिबर्टी डज नॉट एग्जिस्ट। लिबर्टी फिर जो है डिफाइन किस तरह होती है, और कौन सी लिबर्टी की बात हम करते हैं पॉलिटिकल साइंस में? लिबर्टी असल में वो लिबर्टी है इन विच यू आर एट लिबर्टी टू डू एवरीथिंग यू वॉन्ट एज लॉन्ग एज इट डज नॉट हार्म आर इंजर अदर्स एंड अदर पीपल्स लिबर्टी। आजादी है आपके पास, आजाद है, हर तरह की आजादी है, लेकिन उस तक कि आप किसी और की लिबर्टी को नुकसान ना पहुंचाए। म्यूजिक सुन रहे हैं घर में, तो म्यूजिक घर में सुने, इतना लाउड ना हो कि आपका जो पड़ोसी है आपकी वजह से इबादत भी ना कर सके, स्टडी भी ना कर सके, तो वहां पर आपकी लिबर्टी खत्म हो जाती है, जहां पर दूसरों की लिबर्टी शुरू हो जाती है। तो लिबर्टी का जो कंसेप्ट है ये जब हम पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस करते हैं, सो वी मीन द लिबर्टी इन विच यू डू व्हाट एवर यू वांट, बट दिस लिबर्टी डज नॉट वायलेट आर हार्म द लिबर्टी ऑफ अदर्स। अच्छा, फिर लिबर्टी की बात जब हम करते हैं तो हमारा मतलब लिबर्टी से होता है इकोनॉमिक लिबर्टी, कि आपको काम करने की आजादी हो, जो बिजनेस लगाना है लगा लें, आजाद हैं आप विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर कंट्री, कि अगर आप कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करते और वो जायज काम है, मुल्क के कानून ने उसको जायज करार दिया है, तो आप लिबर्टी पर है, गो एंड डू दैट, लीगल लिबर्टी। लिबर्टी की जब हम बात करते हैं तो लीगल लिबर्टी, ये जो औरत मार चोर ये सब होता है और वो कहते हैं कि हमें
आजादी चाहिए, लिबर्टी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो वो लीगल लिबर्टी चाहते हैं, वो इकोनॉमिक लिबर्टी चाहते हैं, वो ये लिबर्टी नहीं चाहते हैं कि कोई भी उसको टच करे या ये किसी को भी टच करे, ये लिबर्टी नहीं चाहते ये लोग, लीगल लिबर्टी चाहते हैं। एजुकेशन सबके लिए होगा फिर, और एक इंडिविजुअल लिबर्टी भी है, इंडिविजुअल लिबर्टी मॉडर्न स्टेट है, मॉडर्न स्टेट इज बेस्ड ऑन लिबर्टी, डेमोक्रेसी जो है दैट इज बेस्ड ऑन लिबर्टी, लिबर्टी नहीं है तो वो तो फिर डेमोक्रेसी ही नहीं रहती। अमेरिका और इंग्लैंड क्यों इतने तरक्की पर है और ये लोग उसको बेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम्स कहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द लिबर्टी दे हैव। एक वजह उनमें से ये है कि उन्होंने अपने लोगों को लिबर्टी दी है, लीगल लिबर्टी दी है, इंडिविजुअल लिबर्टी दी है, अपनी जात में ये लोग आजाद है। यहां पर देख ले पाकिस्तान में आप लोग कि इतनी लिबर्टी है या नहीं है, दैट इज अप टू यू देन। कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी के जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दी है, पॉलिटिकल लिबर्टी के आप आजादी से इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, तो ये सब कुछ जो है फिर इसी में आ जाता है लिबर्टी में। तो तीन कंसेप्ट मैंने आज आप लोगों को पढ़ा दिए, सबरेनिटी, लॉ, काइंड भी बता दिए, ओवरऑल लेक्चर भी दे दिया, पाकिस्तान की मिसालें, पूरी दुनिया की मिसालें भी दे दी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन नाउ यू कैन आस्क, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू पास्ट पेपर्स, सॉवरेनिटी, लॉज एंड लिबर्टी। कोई क्वेश्चन है नाउ यू कैन आस्क। मुझे आप लोगों के कमेंट्स जो है नजर नहीं आते, आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, मे बी नेट का मसला हो या जो है किसी और चीज का मसला हो। अच्छा, फरहान जीब ने क्वेश्चन किया व्हाट इज एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी जो है ये लॉ का करैक्टरिस्टिक है, और इसका मतलब ये है कि लॉ जो है, कानून जो है, उस चीज पर अप्लाई होगा जो एक्सटर्नल हो, इंटरनल ना हो। मिसाल के तौर पर जहन में आपकी एक बात चल रही है तो उस पर कानून अप्लाई नहीं होगा, दिल में कुछ बात है तो उस पर कानून अप्लाई नहीं होगा। जैसे मैंने मिसाल दे दी, एक शख्स है, ख्वाब देख लिया, उसमें कत्ल किया, चोरी की, तो फिर जो है कानून उस चोरी की या उस कत्ल की सजा नहीं दे सकता, बिकॉज दैट वॉज इंटरनल एक्ट। जहन में इंसान तो कुछ कुछ भी सोचता है, अकेले में बैठ जाए तो हजार तरह के नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उस पर कानून अप्लाई नहीं होता। एक्सटर्नैलिटी सिर्फ एक्सटर्नल एक्ट्स पर अप्लाई होती है। लिबर्टी डिफर्स फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस का टर्म लिबर्टी है, दोनों को एज अ सिनोनिम्स लिया जाता है, लेकिन जब आप पॉलिटिकल साइंस या टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, एकेडमिक बात करते हैं, तो फिर लिबर्टी लव्स ठीक है। अच्छा, हनीन खान कहती है हाउ स्टेट्स आर सॉवरन नाउडेज, यूज यूएन हैव इन्फ्लुएंस ऑन मोस्ट ऑफ द लॉज। अच्छा, इज सॉवरेनिटी गेटिंग लिमिटेड। सॉवरेनिटी जो है स्टेट्स मॉनिस्ट थ्योरी जो मैंने आपको बता दी कि स्टेट्स आर एब्सोल्यूटली सॉवरन, तो ये बिल्कुल नहीं है। सॉवरेनिटी जो है एब्सोल्यूट अनलिमिटेड सॉवरेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। एक बात जबरदस्त क्वेश्चन किया है, सब सुने गौर से, एब्सोल्यूट अनलिमिटेड सॉवरेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन मॉडर्न एज। मैंने आप लोगों को बता दिया कि सॉवरेनिटी पर रिलीजन का, पब्लिक ओपिनियन का, इंटरनेशनल लॉ का, जैसे आपने यूएन भी जाहिर किया, अमेरिका वगैरह, ठीक है, ये सुपर पावर जो होते हैं, इनका जो है लिमिट या एक एक चेक होता है, तो अनलिमिटेड सॉवरेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। एक बात,
तकरीबन 100 सालों तक सॉवरेनिटी की लिमिटेशन और एब्सोल्यूटिज्म पर बात होती रही, लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट ये है दैट इज द एंड ऑफ सॉवरेनिटी, के सॉवरेनिटी खत्म हो चुकी है। नाउ देयर इज अ कंसेप्ट दैट इज पावर। पावर जो है दैट इज कि जब कानून बनाया जाता है, जिस एक शख्स को ओबीडियन बनाया जाता है, सो दैट इज नॉट द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, रदर द पावर ऑफ द स्टेट। उस स्टेट का जो पावर है उस पर है। अब अमेरिका ज्यादा पावरफुल है तो उसके पास ज्यादा सॉवरेनिटी है, सब उसकी बात मानते हैं। पाकिस्तान के पास थोड़ा सा पावर है तो बस उसका जो पावर है अपने ही लोगों पर चलता है, दूसरे ममालिक पर ये अपना पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता बिकॉज इट डज नॉट हैव दैट मच पावर। सो इन मॉडर्न टाइम पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंटिस्ट बिलीव्स नॉट इन द सॉवरेनिटी ऑफ अ पर्सन, अ बॉडी और अ स्टेट, रदर दे बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ पावर। पावर डिटरमिन्स एवरीथिंग एंड एन इन्फ्लुएंस एंड इन्फोर्समेंट एंड सैंक्शन एटसेट्रा। तो जितना पावरफुल पार्लियामेंट होगा, पीएम प्रेसिडेंट जितना पावरफुल होगा, उतना ही जो है वो लोगों को ओबीडियन बना सकता है। विच काइंड ऑफ पावर यू मीन सर? आई मीन द पावर टू मेक अदर्स एक्सेप्ट व्हाट यू से। वो पावर जो आप एक्सरसाइज करें और लोग उस बात को मान लें, उसको पावर कहते हैं। चाहे आपके पास पॉलिटिकल पावर है, अब एक पार्टी है पॉलिटिकली स्टेबल है, मजबूत है, पूरे मुल्क में उसकी चलती है, पूरा मुल्क उससे डरता है, फिर चाहे वो इकोनॉमिक पावर हो, अमेरिका के पास इकोनॉमिक पावर भी है और पॉलिटिकल पावर भी है, एक जबरदस्त डेमोक्रेटिक सिस्टम भी है उनके पास, जबरदस्त मिलिट्री भी है, मिलिट्री भी एक पावर है। तो हनीन खान कहती है कि हाँ, यूएस इज नॉट लेटिंग ईरान अ न्यूक्लियर पावर। बिल्कुल, बिकॉज यूएस इज सुपर पावर, वो तो सुपर पावर है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है? वी हैव गॉट 2-3 मिनट्स, इफ नॉट सो इट्स इनफ। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आप लोगों के पास नोट्स बनाने के लिए अपने रजिस्टर्स होने चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा शो कर लेता हूँ, देखो ऐसे होने चाहिए। सही, आप देख ले यहाँ पर नोट्स तो हैं थोड़े बहुत, ये किस चीज़ का है, ये करंट अफेयर्स का है, तो सेक्शन बना लिए हैं जैसे कि पाक कतर है, ठीक है, पाक सऊदी अरेबिया रिलेशंस वगैरह, एक अपनी पेपर नोट्स के लिए और एक स्मॉल डिफिनीशंस के लिए। सही, रजिस्टर्स बना लें, खरीद लें और छोटे छोटे डिफिनीशंस जो है रोजाना उसमें लिखें, याद करें भी और लिख भी लें। नोट्स जब बनाने हैं सो दैट मस्ट नॉट बी द कॉपी, द सेम कॉपी ऑफ द बुक, कि बस बुक में जो लिखा है वो तुम। जी फरहान दाजेब ने कहा हाउ टू मेक नोट्स, जब नोट्स बनाना है तो बुलेट पॉइंट्स में बना ले। बुलेट पॉइंट्स का मतलब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ एक एक लफ्ज लिखे। सपोज सॉवरेनिटी, फिर आप कहते हैं कि लीगल सॉवरेनिटी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी, फिर आपने कहा कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, तो क्या मतलब क्या है? तो एटलीस्ट एक दो लफ्ज इस तरह लिखो जिससे ये बात वाजह हो जाए कि लीगल सॉवरेनिटी है क्या चीज, अपनी याद के लिए एक चीज। तो बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए और कंप्लीटली जो है कंप्लीटली बुक को, न्यूज़पेपर को, किसी नेट साइट को मुकम्मल तौर पर हूबहू ना लिखें। इसका मतलब तो ये है कि आप पोटोस्टेट मशीन जिस तरह होता है कि आप उसमें एक पेज रख देते हैं और
वही पेज दोबारा निकलता है, सेम टू सेम। तो फिर खुद को मशीन ना बनाए कि बुक को दोबारा ना लिखे। हाँ, बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो लिखें, नेम्स हैं वो लिखें, और अपनी कंसिस्टेंसी के लिए अगर एक सेंटेंस दो सेंटेंस लिख दिया सो इट्स इनफ। एक पेज है उसमें 10 जो है सेंटेंसेस है, उस 10 सेंटेंसेस से आपने 5 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, एंड दैट विल बी इनफ देन फॉर द कंसेप्ट क्लैरिटी। तो इस तरह से आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं। डिफिनीशन, हाँ डिफिनीशन ये है कि अगर आप ओरिजिनल वर्ड्स लिखते हैं सो दैट इज मच बेटर, नहीं तो उसको भी बुलेट पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं। अच्छा, कोई और क्वेश्चन है? सो इट्स एनफ देन। हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्व्स।